1,01,02। अब क्या हाल चाल अभी? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब दे दिया कि 15 दिसंबर से पहले देना है, टाइम दिया है। अब तक कोई किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। अंडर प्रोसेस कब तक प्रोसेस में रहेगा किसी को मालूम नहीं है। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि वन मैन जुडिशियल कमिटी, उसने जो 2016 में रिपोर्ट दे दिया, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक इंटरनल कमिटी, सब कुछ हुआ, लेकिन अब पता नहीं सारे रिपोर्ट कहां चले गए। हमारे जो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, रोज आज का सैनिक समाचार, आज का समाचार, आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, जैसे ही मैसेज डालते हैं, और स्पष्ट के बारे में पहले इन्हीं लोगों ने वाहवा किया, अब क्यों नहीं कर रहे? दोस्तों आपको मालूम है कि 14 तारीख को जब हमने धरना किया था, हमने स्पष्ट के बारे में बहुत बात किया। इसके बारे में कोई अपने यूट्यूबर्स मतलब अपने आप को हनरी कैप्टन, ओआरओपी सेकंड रिवीजन को लेकर जगह जगह पर धरने स्टार्ट हो चुके। हमारे भूतपूर्व सैनिक अपने पैर अब फैला रहे हैं, मोदी सरकार की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। जी हाँ, इतनी बड़ी अपडेट लेके आपके हम साथ जुड़े हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भूतपूर्व सैनिक अब सरकार के खिलाफ इस तरह से खड़े हो चुके हैं। दोस्तों मोदी सरकार को समझ नहीं आ रहा कि आखिर सरकार करे तो क्या करे। हम आपको बता दें, आप ये पहले तो फोटोज देख सकते हैं दोस्तों, ये जंतर मंतर की ली गई लाइव फोटोज हैं, जिसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक बुजुर्ग वेटरन से आपको इस वीडियो में दिख रहे होंगे, और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर साइड में भी हमारे भूतपूर्व सैनिक धरना जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों अब ये क्यों किया जा रहा, हम आपको बता दें। सर देखिए, हमारे पेंशनधारकों की तरफ से सरकार को लीगल नोटिस भेजा गया। लीगल नोटिस में उनसे पूछा गया कि हमारी वन रैंक वन पेंशन रिवीजन आखिरकार कहां तक पहुंची है, हमें बताइए। और पिछली बार जब सुनवाई हुई थी, सरकार को 15 दिसंबर तक का समय दिया गया था दोस्तों। उस समय पर यह बात हुई थी, अगर हमारे भूतपूर्व सैनिक सरकार को लीगल नोटिस लिखते हैं तो सरकार को उस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। और दोस्तों वही काम हुआ, यहाँ पर सरकार ने कोई भी अपडेट नहीं दी, तो परेशान होकर हमारे जो पेंशनर संगठन है उनके द्वारा सरकार को एक लीगल नोटिस लिखा गया, जिसमें उनसे पूछा गया कि वन रैंक वन पेंशन रिवीजन है जो, वो उसकी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, कब हमारा पेंशन रिवाइज हमें मिलेगा, फ़ायदा क्या सॉरी दोस्तों, क्या 15 दिसंबर से पहले हमारी पेंशन रिवाइज होगी दोस्तों। लेकिन सरकार की तरफ से इस बार फिर कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने बड़ा आंदोलन करने की यहां पर ठानी, और सभी भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर को घेर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, हमारे भूतपूर्व सैनिक यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो सैनिक पूरी उम्र देश सेवा करता है और उसके बाद जब अपने बच्चे अपने परिवार के साथ टाइम गुजारने के लिए वो रिटायरमेंट होकर घर पर आता है पूरी उम्र देश सेवा करके, लेकिन उस समय पर उसे रोडों पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सड़कों पर चक्कर काटने पड़ रहे हैं दोस्तों, अपने हक के लिए, अपने जो उन्हें फ़ायदे मिलने हैं उनके लिए वो सरकार से कुछ अलग नहीं मांग रहे, अपने हक के लिए, जो उनके अलाउंस है उनके लिए, जो उनका टाइम पर पेंशन रिवीजन होना चाहिए था उसके लिए उन्हें चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यहाँ पर इतना दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर दृश्य देख सकते हैं दोस्तों हमारे भूतपूर्व सैनिक। एक बार इनकी तरफ देखिए, आप इनकी शक्ल देखिए दोस्तों, इनका चेहरा देखिए, किस प्रकार से जो है गर्व से ऊंचा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सड़क पर प्रोटेस्ट करते समय यहाँ पर दोस्तों इनका चेहरा देखिए, किस प्रकार से सरकार ने मुरझा रखा है। जी हाँ दोस्तों, ना तो कोई टाइम पर अलाउंस दिया जा रहा है, ना ही इन्हें किसी चीज़ का फ़ायदा दिया जा रहा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हमारे भूतपूर्व सैनिकों को बहुत जल्दी हक मिलने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सीधे जंतर मंतर से लाइव जुड़ेंगे हम आप सभी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सभी पेंशनधारक समाज को जय हिंद, जय भारत।